मतलब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, हम पे लानत है अगर हम अपने अपने मुल्क के फनकारों की इज्जत ना करें। सबसे पहले तो हमारे अपने मुल्क को हमें देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में कौन कौन से टैलेंट मौजूद है, उसके बाद हम किसी और मुल्क की तरफ जाएं। अगर वो अगर हम ये हिसाब करेंगे ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, तो हम बड़े कोई स्टूपिड लोग हैं। तो जहाँ तक पहुँचा तो पाकिस्तान में तो माशाल्लाह टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में टैलेंट दिखाया जाता है जिसके बाद थोड़ा सा भी है ना वो इंडिया गॉड्स टैलेंट आ गया, उनके डिफरेंट इंडस्ट्री बहुत वास्ट है। एग्जैक्टली, तो मैं ये कहती हूँ कि वहाँ पर दिखाया ज़्यादा जाता है इसलिए वहाँ के नंबर भी ज़्यादा है, यहाँ पर दिखाया कम जाता है, यहाँ पे अप्रिसिएशन कम मिलती है कॉमेडियंस को और किसी भी आप शो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने पाकिस्तानी लोगों से पूछा है कि जो इंडिया के कॉमेडियन है और जो पाकिस्तान के कॉमेडियन है उन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए बोला है, और उन दोनों में से सबसे ज्यादा कॉमेडियन कौन किस देश के है ये पूछा है, और उनको कुछ मार्क्स देने के लिए बताया है। तो चलिए देख लेते कि इस बात पे जो है ना पाकिस्तानी लोग कौन से कॉमेडियन जो इंडिया के कॉमेडियन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं या पाकिस्तान के कॉमेडियन को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में। साथ एक बहुत ही प्रिटी लड़की मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इनके क्या तासरात है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या नाम है आपका? मलाइका। मलाइका, आपका नाम भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। मलाइका, हम जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम इंडियन कॉमेडियंस को पसंद करती है या पाकिस्तानी कॉमेडियंस को, क्या ख्याल है? मैं वैसे एक बात समझती हूँ कि अगर हम मतलब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, हम पे लानत है अगर हम अपने अपने मुल्क के फनकारों की इज्जत ना करें। सबसे पहले तो हमारे अपने मुल्क को हमें देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में कौन कौन से टैलेंट मौजूद है, उसके बाद हम किसी और मुल्क की तरफ जाएं। अगर वो अगर हम ये हिसाब करेंगे ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, तो हम बड़े कोई स्टूपिड लोग हैं। ठीक है, बात तो आपने बड़ी समझदारी की है। अब बताएं आपको पाकिस्तान में से कौन सा कॉमेडियन पसंद है? पाकिस्तान में से मुझे तो वो वैसे पसंद है नसीम विकी, और एक मेरे ख्याल से एक और कॉमेडियन है बड़े मशहूर हैं, लेकिन वो अब हयात नहीं है, मुझे इनका नाम नहीं जहन में आ रहा, शायद आपको बताओ, आप मुझे बताएं। कॉमेडियंस तो काफी सारे जा चुके हैं, तीन नाम लेंगे शायद मुझे याद आ मसाना, बबूबराल, अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब, मैं उनकी बात करना चाहती हूँ। वैसे जितने भी मैंने नाम लिए हैं दे ऑल आर लेजेंड्स, ठीक है, ना सिर्फ अमानुल्लाह साहब बल्कि मस्ताना साहब, बबू बराल साहब, अल्लाह इन तीनों की मगफरत फरमाए। तो ये तीनों आपको पसंद है? बिल्कुल, बहुत पसंद है, क्योंकि देखिए कॉमेडियन जो होता है ना कोई बॉन्ड कॉमेडियन होता है, हर बंदा कॉमेडी नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ तमाशे होते हैं, कुछ फेक प्रिटेंडिंग्स होती है, लेकिन जो बॉन्ड कॉमेडियंस होते हैं ना उनमें खास टैलेंट होता है जो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। अगर नंबर देना चाहो तो इंडियन कॉमेडियंस को कितने दोगी और पाकिस्तान को कॉमेडी के हवाले से कितने? मैं पाकिस्तान को दूंगी 10 out of 10 और इंडियन कॉमेडियंस को दूंगी 8 out of 10। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। देखिए इंडिया के जो लोग होते हैं ना, आपको पता है इंडिया में मेहनत जो कॉमेडी में टैलेंट की उनकी अलहदा एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन जो वहाँ के कॉमेडियंस है ना वो टैलेंट जो है ना वो इधर से ही सीखे जाते हैं पाकिस्तान से। अगर नसीम विकी की बात की जाए तो वहाँ का एक बहुत बड़ा कॉमेडियन है जो बड़ा एक कह लें कि मेरी नजर में एक मरासी है, कपिल शर्मा, ठीक है, वो बड़ा इस तरह की हरकतें करता है, जी मैं ये तो मैं वो तो मैं फलां तो मैं ठमका, लेकिन मैं एक बात करती हूँ कि उसने असल जो कॉमेडी की एक चीज़ है वो नसीम विकी से सीखी ना, तो वेयर ही बिलोंग्स फ्रॉम, ही बिलोंग्स फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। तो अगर हम इस तरह से बात की जाए, अगर हम लोग फेयरली बात करें, तो मैं 10 out of 10 अपने मुल्क को दूंगी। बहुत अच्छी बात है, जाते हैं। लेकिन एक चीज हम बताते चले जाए कि कपिल शर्मा साहब भी आज भी इस बात का इतराफ करते हैं कि उन्होंने जितनी कॉमेडी सीखी है पाकिस्तानी कॉमेडियंस को देख कर सीखी है, और वो इस बात का भी इतराफ करते हैं कि कॉमेडी जितना भी आइडिया हमने अडॉप्ट किया है वो इंडिया पाकिस्तान से ही किया है। तो ये भी एक दूसरा बंदा अगर इतने बड़े लेवल पर जाकर एक्सेप्ट कर रहा है तो हमें चाहिए उसकी तारीफ करें। लेकिन ये कहने की बातें ना, देखें एक दो दफा कह देंगे, हर दफा नहीं, वो कहते क्रेडिट हर दफा नहीं कहते, हर दफा नहीं कहते, एक दो दफा तो कहते थे जब कोई जबरदस्ती आके मना ले, बात तो तब है ना जब बात अपने मुंह से अगला बंदा करे, अपने मुंह मियां मिट्टू तो हर बंदा बन जाता है कि जी मैंने सिखाया, बात ये कि जिसको सिखाया वो खुद अपने मुंह से बोले, वो नहीं एतराफ करता, ठीक है, वो तब जब सीखना होता है ना तब वो कहते हैं जी 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 मुझे सिखा दें, जी कर दें, जी कर दें, और जब सीख लिया तब कहते हैं जी हो गया, जी हाँ मैं बन गया, जी एंज हो गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कम हमें ऐसे बोलने वाले लोग मिलते हैं जो बहुत ब्लंटली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुतुलैन, आपको कौन नहीं जानता, हम तो खुद आपके मदाहों में से हैं। अच्छा, आपको मेरा नाम पता है? एग्जैक्टली, हमें आपका नाम, हमें आपका बायोडाटा, हम आपके आशिकों में से हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा गुरुदुलैन, हमारा आज का कंटेंट है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं इंडियन कॉमेडियंस और पाकिस्तानी कॉमेडियंस में, तो क्या ख्याल रखती हैं? पहले तो हम आपके ख्याल जानना चाहेंगे कि क्या सोचती हो कॉमेडी के हवाले से कौन आगे है।
कॉमेडी के बारे में आप जानना चाहती हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। और मतलब मैं जिन जो मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं वो माशाल्लाह ख़ुद पाकिस्तान के एक नामवर कॉमेडियन हैं, उनकी बेटी हैं। और बड़े मैं कहती हूँ कि वो जब इस दुनिया से चले गए तो बहुत बड़ा लॉस पाकिस्तान को हुआ। उसके बाद ना कोई आया है वैसा, ना कोई आएगा। तो अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे, और वो जहाँ पर भी जाएँ अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह ताला उनको बहुत जो है ना वो आसान उनकी मंजिलें करें, आमीन इमानुल्लाह साहब की। तो ये तो आपने बात कर दी। तो कॉमेडियन पाकिस्तानी जो है वो नामवर कुछ ही कॉमेडियन है, जिनमें आपके पापा भी थे, उमर शरीफ साहब वो भी जो है अल्लाह ताला के पास चले गए। अब कुछ गिने चुने वो वाले लोग रह गए हैं। मैं पाकिस्तान की पहले ये बात कर रही हूँ कि जो नामवर थे वो तो अब जा रहे हैं और जा चुके हैं। अब कुछ दो तीन लोग रह गए हैं, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन नामवर चले गए हुए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको पता है कि जो शो कर रहे हैं अब सोनी पे, वो क्या नाम है उनका, कपिल शर्मा, वो अब मैं जानती हूँ उनको और मुझे कोई इतना खासा पसंद। अच्छा, अगर मार्क्स देने हो, नंबर्स देने हो 10 में से, तो कितने नंबर दोगी पाकिस्तान पाकिस्तानी कॉमेडियंस को और इंडियन कॉमेडियंस? देखिए, पाकिस्तान में ये है कि टैलेंट की तो कदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आप भी बेहतरीन जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। यहाँ पर जितना मर्ज़ी टैलेंट हो उसको आगे लाया ही नहीं जाता, तो वो लोगों तक कैसे पहुँचेगा और लोग उसको कैसे नंबर देंगे। तो जहाँ तक पहुँचा तो पाकिस्तान में तो माशाल्लाह टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में टैलेंट दिखाया जाता है, जिसके बाद थोड़ा सा भी है ना वो इंडिया गॉड्स टैलेंट आ गया, उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्री बहुत वास्ट है। एग्जैक्टली, तो मैं ये कहती हूँ कि वहाँ पर दिखाया ज़्यादा जाता है, इसलिए वहाँ के नंबर भी ज़्यादा है। यहाँ पर दिखाया कम जाता है, यहाँ पर अप्रिसिएशन कम मिलती है कॉमेडियंस को। और किसी भी आप शोबे में चले जाएं और कोई भी उस शोबे से वाबस्ता और बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ छू रहा हो, उसको अप्रिसिएशन बहुत कम मिलेगी कि ये सर पे ना चढ़ जाए। ठीक है जी, तो सिज़म ज़्यादा फेस करें। एग्जैक्टली, लता खिंच दे, एंकर है ना, एंकर है ना, और सारी तमहीद लम्बी बन देती है। मैडम जी, ऐसी क्या सी नंबर 10 में से कितने नंबर कहूँगी कि इंडिया को 10 में से 8, यहाँ पर 10 में से 6। थैंक यू सो मच गुरुतला जी। हाँ जी, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन, इनकी आप वीडियो सोशल मीडिया पर, सैटेलाइट चैनल्स पर हर जगह देखते रहते हैं, और बड़े ही ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से ये फैमिली को एंटरटेन कर रहे होते हैं। और बहुत कम चुनिंदा लोग हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी शोबिज़ में, जो फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, फैमिली को एंटरटेन करने के लिए कॉमेडी कर रहे हैं। तो चलते हैं जानू बाबा की तरफ और जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका ताल्लुक क्योंकि शोबिज़ की दुनिया से है और बहुत खूबसूरत आप काम कर रहे हैं एज अ कॉमेडियन, काबिले तारीफ़ है आपका काम। जानना चाहूँगी आपसे, आज का हमारा कंटेंट है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कॉमेडियंस हैं, आप कौन सी कंट्री के कॉमेडियंस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और पसंद करते हैं? जी नूर जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा, जो कॉमेडी है ना उसकी कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। जो कॉमेडियंस हैं, देखें मिस्टर बीन इंग्लैंड का है, रोन आर्किस्टम, उसको लोग अपना ही मानते हैं क्योंकि साढ़े बच्चे भी उदा मूव वेख वेख के ना कर लेते हैं। तो ऐसे ही जो चाहे भीम कार्टून हो या डोनाल्ड डक हो, वो किसी खास प्रेमिसिस का, खास एरिया का नहीं रहता। जब बच्चों तक पहुंचता है तो वो उन्हीं का हो जाता है, चाहे वो मोटू पतलू हो, चाहे वो कोई भी हो। तो जो बच्चे बच्चियां लोग देखते हैं उससे इंटरटेन होते हैं, फिर वो किसी खास खित्ते का, ओरिजिन का नहीं रहता। इसलिए मैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर है ना, वो लकीर पे मैं तबसरा नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि जितने भी कॉमेडियंस इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं, इंडो पाक के कॉमेडियंस जो हैं वो एशियन कॉमेडियन हैं, और वो अपने एंड पे खुशियाँ बांट रहे हैं, हम अपने एंड पे खुशियाँ बांट रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ के बहुत सारे कॉमेडियंस इस बात का दावा करते हैं कि हम इंडिया गए और इंडियंस को कॉमेडी है क्या ये सिखा कर आए, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, सिखा कर आए कि मतलब तरखाना का काम सी जो सिखा कर आए एक पॉलिश करने का काम सी उसे सिखा के आए, उसे गड्डी का इंजन खोलना सी जो सिखा के आए, एक कढ़ाई का काम सी ये सिखा के आए ने। बात ये है कि उधर भी कॉमेडी है, इधर भी कॉमेडी है। अब कॉमेडी को ऐसे एक डिफ्रेंशिएट ना करें कि वो इंडियन कॉमेडी है या पाकिस्तानी कॉमेडी है। चाहे इधर नसीम विक्की हो, उधर कपिल शर्मा हो, तो दोनों जब एक प्लेटफॉर्म पे खेले हैं तो कमाल नहीं हो गया?
क्रिकेट के मैचेस को देखें, पूरी दुनिया खेलती है, ऑस्ट्रेलिया खेलता है, साउथ अफ्रीका खेलता है, इंग्लैंड खेलता है, न्यूजीलैंड खेलता है, श्रीलंका खेलता है, इतने तो लोग भी खेल जाते हैं, दिलों के साथ खेल जाते हैं, जज्बात के साथ खेल जाते हैं। तो ये देखें, जब दोनों का मेल होता है, इंडिया और पाकिस्तान खेलता है, तो पूरी दुनिया स्टेडियम पैक होते हैं। मैं तो एक कदम बढ़ के आगे कहता हूँ कि इंडिया को और पाकिस्तान के कॉमेडियंस को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए। अब उसकी आपको मिसाल देता हूँ, चल मेरा पुत में दोनों इकट्ठे हुए हैं तो फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई हैं, आपके सामने ही है ना, मैं तो नहीं देख सकिया, मेरी अक्खें से कुकरे पाए सन, वो तो मैं बाद देखी है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इंडियन कॉमेडियंस हों पाकिस्तानी कॉमेडियंस हों, वो दोनों हमारे हीरे हैं। बहुत अच्छी बात की। अच्छा, नंबर देना चाहें अगर दोनों कंट्रीज के कॉमेडियन को या इस फील्ड के लोगों को, तो कौन सी कंट्री, इंडिया को कितने देंगे और पाकिस्तान को कितने देंगे? जी, अगर नंबर देने की बात है तो इंडियंस को मैं दूंगा 9.5 नंबर। अच्छा। हाँ जी, आधा नंबर मैं कट लिया है क्योंकि हमारे हालात ख़राब हैं, मौसम ख़राब है, गर्मी बड़ी है, कट्टा बहुत है, पसीना बहुत है, गर्मी का महीना तो आ गया बाबू पसीना, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि 9.5 इसलिए दूंगा क्योंकि केबल्स में बहुत सारी चीज़ें उनकी अवेलेबल ही नहीं है। पुराने जमाने च होंगी सी घोड़ा मार्का ट्यूब है जी, अख च पाई दी सी, हूँ आ गई है यूट्यूब, अब यूट्यूब पर दुनिया देखती है, तो हमें कोई चीज़ें मिलती नहीं है, इसलिए उनको दूंगा 9.5 नंबर और पाकिस्तान को दूंगा पूरे 10 लैकुड़िए 10। क्या बात है, थैंक यू सो मच जानू बाबा, आपने इतनी खूबसूरत बातें की। बिल्कुल, एक बात बहुत खूबसूरत की कि फनकार की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, फनकार चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो या किसी और अदर कंट्री का हो, फनकार सांझा होता है। तो जी आगे चलते और लोगों के तासुरात जाते जाते सुन ले, इत्थे वड़वर की कुड़ी होंदी है दुकान दे उत्ते 15 थान कढ़वा के एंड ते करी होंदी है, ओह माय गॉड मुझे मेरे चॉइस वाली चीज मिल गई, मैंने यही लेनी है, दुकानदार कहंदा बाजी रहन दियो इत्थे पौने हैगे ने। चलो जी हुण इजाजत दो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा अली मुर्तजा। अली मुर्तजा, हमें बताइए, हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कॉमेडियंस में कंपैरिजन कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? देखें, अगर आप स्टैंडिंग कॉमेडी की बात करेंगे ना, तो देर इज़ नो कंपैरिजन। आप देखेंगे उनके कुछ शोज हैं जैसे कि कपिल शर्मा, तो उनको स्टैंड किसने किया? पाकिस्तानियों ने, हमारे नसीम विक्की के, और वो कहाँ से पॉलिश हुए? हमारे लेजेंड्स जिसमें अमारुल्ला साहब आते हैं, सुहेल अहमद साहब आते हैं, मस्ताना साहब, ये वो लोग थे जिन्होंने बताया कि स्टैंडिंग कॉमेडी होती कैसे है। अब देखें, मैं बहुत देर से इनको फॉलो करता हूँ, मैं अभी तक इनके शोज़ देखता हूँ, मैं अमारुल्ला साहब, वसीज़, सुहेल अहमद साहब, ये मैं रात को भी देख रहा था ना, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने, मतलब देखते थे कि फैमिली नाराज़ होकर ना चले जाए, एक बड़ी अच्छी कॉमेडी ये लोग करते थे। अब तो इस कॉमेडी को कुछ और नाम दे दिया गया है, लेकिन इंडियन जैसे कि कपिल शर्मा का शो है, बेशक पाकिस्तान ने स्टैंड किया, वो भी बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन उसमें कोई एज ए पाकिस्तानी जिस तरह हम लोग, हमारी फैमिलीज है ना, कोई देखने वाले शो वो भी नहीं होते। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो स्टैंडिंग कॉमेडी में पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन है ही नहीं किसी कंट्री के साथ नहीं, क्योंकि हमारे इस तरह के लेजेंड्स गुजरे हैं जिन्होंने देखें ना साबित किया। अब देखें अमानुल्लाह साहब जो है ना, अगर हम बात करें, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन वो लोग तो गुजर चुके ना, मौजूदा हालात में क्या हो रहा है? लोग ये पूछते हैं, हमारी मौजूदा जनरेशन कॉमेडी के नाम पर आजिज़ आ चुकी है कि यार यहाँ पर क्या हो रहा है सिवाय गालम गलोच के। तो आप मौजूदा हालात में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दोनों में से किस, इंडिया को और पाकिस्तान को क्या नंबर्स देंगे 10 में? मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, अगर आप शोज़ की बात करोगे ना, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा आवाम है, देखिए आप मर के हमारी 22 करोड़ है, उनकी 122 करोड़ है, तो उस लिहाज से देखें ना, अगर शोज़ को तो वो लोग पैसा बहुत लगाते हैं, ठीक है, उस तरह की सहूलियात चीज़ें हम लोगों को दी जाए। अगर आप प्रेजेंट में बात करें, आपके पास इफ्तिखार ठाकुर है, आपके पास हनी अल बेला, आप देखें अब तक एक बार साहब का जो शो है, उनकी उन्होंने रौनक लगाई होती थी, अभी देखें उनके पास जो बब्बू राणा साहब हैं, तो ये ऐसे कॉमेडियन हैं जो कि खास स्क्रिप्टेड नहीं कर रहे होते हैं, ये लोग चल रहे होते, बिल्कुल चल रहे स्क्रिप्ट के साथ, तो मैं कर लूँगा एक्टिंग, बहुत अच्छी नहीं कर पाऊँगा लेकिन मैं कर लूँगा। लेकिन मैं अभी भी जो है ना, कहते हैं कि जब दोबारा अमानुल्लाह साहब इस शो में आए आफ्ता इकबाल के, अब देखें एक बंदा कहता जी मैं काइंड ऑफ रिटायर हो चुका हूँ स्टेज ड्रामे से, आके दोबारा भी वो, मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा उनकी कॉमेडी जो है ना आफ्ता इकबाल के शो पे देखने, स्पेशली जिसमें उन्होंने वो ग्रीन कलर का पहना हुआ है आफ्ता इकबाल साहब, और उनको मतलब जो है ना वो
तंग भी वो ही करते थे और उन्हीं को इजाजत चौक लगी रहती थी, उनको तंग करने की इजाजत भी मानोला साहब को। तो जो परफॉर्मेंस वो दे गए हैं ना तो नहीं कर सकते वो अभी तक उनका नहीं, अल्लाह करे उनके आए हमारे। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इंडिया को मैं उनको डिग्रेड कर, मैं ये कह रहा हूँ एक फेयर अगर हम कंपेरिजन करें तो अभी तक उनके कंपेरिजन का कोई भी नहीं आया। थैंक यू। और नंबर कितने देंगे इंडिया और पाकिस्तान को, पहले इंडिया का बताएं। 10 में से 7 इंडियंस को जी, और पाकिस्तान को पुरानी कॉमेडी को 10/10, अभी वाली को 8। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अली। अली, हम जानना चाह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान किसकी कॉमेडी ज़्यादा बेहतर है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि कॉमेडी कॉमेडी होती है, इंडियन करे या पाकिस्तानी करे उसमें फ़न होना चाहिए जो मेरा ख्याल है ना, क्योंकि पर्सनली मैंने जो कॉमेडी अच्छी कॉमेडी देखी हुई है ना वो इंडियंस की ज़्यादा देखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ, 2007-08 की बात है, मैं एक शो देखा करता था जिसका था लाफ्टर चैलेंज के नाम से, वहाँ से एक बंदा निकला है कपिल शर्मा, उसने पाकिस्तानी कॉमेडी दे दे के एक शो बना लिया और वो शो ऐसे चल रहा है कि यानी कि दुनिया का इस टाइम सबसे बड़ा कॉमेडियन और दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला इतने कम अरसे में कॉमेडियन इंडियन है कपिल शर्मा। उसने क्या किया, जो लोग उसको जज कर रहे थे ना उसने उन्हीं लोगों को अपने शो में ऐसा जज रख लिया, जज नहीं ऐसा समझ ले कि हायर कर लिया ना, अपने हायर कर लिया हंसने के लिए, और उसके जो उसका जो शो है ना उसकी जो रेटिंग्स है इंडिया में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, किसी भी और शो की इतनी रेटिंग नहीं है जितनी उसके शो की रेटिंग है, और उसका मुकाबला किसी के साथ नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ कॉमेडी होती है कि डबल मीनिंग ज़्यादा चीज़ें होती हैं हमारे स्टेट में। आपकी पैदाइश का सन क्या है? मेरी पैदाइश का सन जो है ना ये 90s में पैदा हुआ, अब मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता। स्पेसिफाई नहीं कर सकते? अच्छा, 90s के दौर की, जब आपने शायद होश भी नहीं संभाला था, आई थिंक सो आप 1995 के होंगे शायद, मे बी, या 93। अच्छा, अगर आप इस दौर की कॉमेडी का जिक्र करें जिसमें बहुत बड़ी बड़ी माया नाज शख्सियात हैं, तो आप उनके काम के बारे में क्या कहेंगे? मौजूदा जो दौर है वो तो ठीक है, डबल मीनिंग कॉमेडी चल रही है, लेकिन डबल मीनिंग कॉमेडी में काम करने वाले लोग ही जब टीवी चैनल्स पर बैठते हैं तो मैं कहती हूँ वो फैमिली वर्क भी बहुत अच्छा करते हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं? देखें, जो 90s के थे ना तब थोड़ी शर्मों हया होती थी, तब वो तमीज़ के दायरे में रह के कॉमेडी कर लेते थे, लेकिन अब जो है ना वल्गैरिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप अपनी फैमिली के साथ जो है ना कोई स्टेज ड्रामा देखने नहीं जा सकते। कॉमेडी का मतलब जो है ना इस टाइम वो हो गया कि आपने इनडायरेक्टली जो है ना गंदी बात करनी, माँ बहन को आपने डिस्कस करना, हाँ इस तरह का सवाल करना है, इस तरह की बात करनी है कि लोग ये समझें कि यार कोई बड़ी कूल बात कर दी है लेकिन कॉमेडी नहीं हो रही, असल में वो गंद मचाया जा रहा है। जो 90s में थे हमारे कॉमेडियन थे वो बहुत अच्छे थे, उनका इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं है, 90s की बात है। लेकिन अभी की अगर बात करें, उमर शरीफ साहब एक बड़ा नाम है, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब एक बड़ा नाम है, लेकिन मौजूदा नस्ल, आपने बहुत खूबसूरत बात की, हमारी जो मौजूदा नस्ल है वो इन कॉमेडियन से वाकिफ है ही नहीं है और ना ही इनके काम से वाकिफ है। तो नंबर्स पर आते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कॉमेडियंस को कितने नंबर्स देना चाहोगे? 10 out of 10 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, देखें अगर आप करंट की बात करें या 90s की बात करें? नहीं, हम मौजूदा सिचुएशन। अच्छा, मौजूदा सिचुएशन में मैं जो इंडियंस है ना उनको 10 out of 10 दूंगा, और जो पाकिस्तानी है ना सिर्फ वो लोग उनको मैं 10 out of 8 दूंगा जो कि एक अच्छी कॉमेडी करते हैं और करते रहे हैं, जैसा कि अमानुल्लाह साहब होते थे, वो लाफ्टर शो में भी गए थे, काफ़ी पुरानी बात है शायद आपको याद हो या ना हो, उसमें उमर शरीफ साहब भी थे, और अभी मौजूदा वो लोग अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं जिनसे अच्छी कॉमेडी करवाई जा रही है, जैसा कि आप टीवी पे शोज देखती हैं ना उनमें जो कॉमेडियन बैठे हुए हैं ना उनसे अच्छी कॉमेडी करवाई जा रही है, इसलिए मैंने उनको जो है ना 9 नंबर दे दिए हैं, क्योंकि उनको गाइड करने वाला, उनको ग्रूम करके किसी ने बिठाया हुआ है, जैसे वो जियो पे खबरनाक शो आता था उसके जो पायनियर थे ना वो मानुल्लाह साहब उनमें से एक थे, आफ्ताब इकबाल साहब एक थे, उन्होंने कॉमेडी को एक नई डायरेक्शन दे दी कि इस तरह कॉमेडी होती है, ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, वो लिखी बड़ी कॉमेडी है। एक कॉमेडी जो हो रही है स्टेज, आप चले गए थिएटर में वहाँ पे तो धड़ल्ले से पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं, और कॉमेडी के नाम पे उन्होंने वहाँ पे एक समय लगे कुछ और ही दुनिया बात की हुई है। बहुत शुक्रिया जी, आपने नंबर्स भी दिए और बता
दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, आपको ही नहीं पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया में किस तरह का टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, और हमारे जो कॉमेडी नहीं है, कौन से भी ड्रामा ले लो, एक्टिंग ले लो, हमारा बॉलीवुड ले लो, किसी भी फील्ड में जो है ना इंडिया दुनिया में हर एक चीज में आगे है। ये बात तो आपको या पूरी दुनिया को पता है, फिर भी लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में बहुत सारे रिएक्शन इस टाइप के दे रहे हैं कि जो इंडिया के जो कॉमेडियन है वो पाकिस्तान से सीख लिए है। दोस्तों भाई साहब इतना झूठ आप लोग कैमरे के सामने आने के बाद कैसे बोल देते हो? हमारे यहाँ के जो कपिल शर्मा है उनके बारे में वो बोल देते कि उन्होंने जो है ना जो भी कॉमेडी सीखा है वो पाकिस्तान से सीखा है। भाई साहब ये पाकिस्तान से सीखा नहीं है, ये जो कॉमेडी जो भी आर्ट जो भी कला रहता है कला रहती है ना वो अंदर से आते हैं, और हमारे यहाँ का जो टैलेंट है ना इतना टैलेंट भरा पड़ा है तो पूरी दुनिया जान जाती है इस बात को, और फिर भी इस तरह से इतना झूठ आप लोग कैमरे के सामने आके कैसे बोल देते हो यही बात मुझे समझ में नहीं आती। सबसे पहले एक बात तो ये है कि हमारे जो कॉमेडियन आपकी कॉमेडी और हमारे देश की कॉमेडी इन दोनों का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। हमारा जो कॉमेडी का लेवल है ना सबसे आगे और बढ़ के है। ये नहीं करता कि आपके यहाँ पे भी कॉमेडियन नहीं है, आपके यहाँ पे भी है कॉमेडियन, लेकिन क्या अगर कंपैरिजन करने का सोचोगे ना तो इंडिया हर एक चीज में आगे। तो आप लोग किस तरह कंपैरिजन इंडिया के साथ कंपैरिजन क्यों करते हो यही बात मुझे समझ में नहीं आती। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगा हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।